मैं रामेश सुश्रुता आपका अपने टन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज से पहले वाले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। क्रिया के किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है, और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आज हम लेंगे विशेषण को। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया है उसकी विशेषता बताने वाले संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम होता है। अतः सर्वनाम की भांति विशेषण भी एक तरह की संज्ञा होती है, जैसे नीला आकाश। अब आकाश है, किस रंग का है? नीला। तो नीला आकाश की विशेषता बताती है। हम कभी भी बोलते हैं नीला आकाश, यानी बहुत सुंदर आकाश है, तो वह उसकी विशेषता बता रही है आकाश की। लंबी खिड़की, लड़की लंबी है या बोनी है, वो लिखा हुआ होगा आगे, तो वह उसकी विशेषता होगी। छोटा लड़का, मोटा आदमी, सफेद गाय और सुंदर महिला इत्यादि में नीला, लंबी, छोटा, मोटा, सफेद तथा सुंदर विशेषण शब्द है, जो आकाश, लड़की, लड़का, आदमी, गाय और महिला इत्यादि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना कि कोई भी संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या क्रिया है या अव्यय है, इन शब्दों के साथ में प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह उसकी विशेषता बन जाएगी। अब विशेषण के कुछ उदाहरण देखिए आप, जैसे सविता बहुत सुंदर लड़की है। अब इसमें बहुत सुंदर जो लिखा हुआ है, सुंदर, अब सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है किसकी? लड़की की। तो सुंदर विशेषण इस शब्द में, इस पंक्ति में सुंदर जो है विशेषण का उदाहरण है। शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है, इसमें शंकर क्या है? बहुत मेहनती, जो मेहनती लिखा हुआ है वह उस कार्यकर्ता की विशेषता बताई गई है, शंकर की विशेषता बताई गई है। जयपुर स्वच्छ शहर है, जिसमें स्वच्छता, स्वच्छ जो लिखा हुआ है वह उसमें विशेषण है या शहर की विशेषता है। महेश बहुत बुरा लड़का है, अब बुरा लड़का, बुरा जो है वह महेश का विशेषण है, उसकी बुराई है। इसके पास 20 पुस्तकें हैं, अब जो 20 लिखा हुआ है वह पुस्तकों की विशेषता है, इसमें 20 उसकी विशेषण कहलाएगा। उपरोक्त उदाहरणों में स्वच्छ, मेहनती, सुंदर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे, अतः यह विशेषण है। जैसे संज्ञा जितना शब्द सरल है याद करने के लिए, वैसे ही विशेषण भी, इसमें कुछ भी याद करने के लिए मुश्किल नहीं है, आप आराम से उसको याद कर सकते हो। कि यदि किसी वाक्य में किसी शब्द की, संज्ञा की, विशेषण की जो विशेषता बता रहा है शब्द, वही उसका विशेषण कहलाता है। अब है विशेष्य। अब विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द विशेष्य कहलाता है। आया समझ में? विशेषण की विशेषता जो बताता है वही विशेष्य होता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वही विशेषता है, विशेष्य है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, अब राम की विशेषता बताता है, इसलिए राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है, संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ प्रयोग होने पर इसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, तथा इसका प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाता है। अब क्रिया के साथ, क्रिया के साथ प्रयोग होने पर इसे विधेय विशेषण कहते हैं। संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होगा तो उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे, और क्रिया के साथ में प्रयुक्त होगा तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है, विधेय विशेषण समानाधिकरण होता है। अब विशेष्य के उदाहरण, विजय बहु बहादुर लड़का है, अब इसमें विजय बहादुर लड़का है, अब इसमें विजय, विजय क्या हो गया? संज्ञा हो गई, इसलिए विजय क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और इसमें विशेषण हो गया बहादुर। विनोद भोला भाला आदमी है, अब इसमें विनोद विशेष्य हो गया और भोला भाला विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है आपको? विनोद संज्ञा हो गया और भोला भाला उसके विशेषण हो गया। सविता सबसे लंबी लड़की है, अब सविता जो है विशेष्य हो गई और लंबी उसका विशेषण हो गया।
शंकर पढ़ा लिखा इंसान है। अब शंकर क्या है, विशेष्य हो गया, और पढ़ा लिखा उसका विशेषण हो गया। उपरोक्त उदाहरणों में विजय, विनोद, सविता एवं शंकरण इत्यादि विशेष्य है, अतः यही शब्द संज्ञा शब्द भी होंगे। जो संज्ञा शब्द है वही विशेष्य वाला होते हैं, आप याद रखिएगा। जिस पंक्ति में संज्ञा शब्द होते हैं क्रिया की विशेषता बता, जो क्रिया करता है, क्रिया करने वाला होता है वही विशेष्य होता है, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे अवयव शब्द हो। अब विशेषण के भेद, विशेषण जो है 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, निश्चय परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा निश्चित संख्यावाचक। संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम लेंगे गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण, ये आप नाम से पता कर सकते हो, जो किसी भी शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि का बोध करवाते हैं, वही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भले लोग, अब भले जो है इनसे लोगों की विशेषता बता रहा, गुण बता रहा है भले, और गंदी बस्ती, गंदगी उसका दोष बता रहा है, इसलिए ये गंदी जो है गुणवाचक है। कोमल शरीर, अब इसमें कोमल जो है उसका शरीर की अवस्था बता रहा है, पुराने कपड़े, मोटा छोटा मकान, काला घोड़ा, लालची इंसान इत्यादि। इसमें आपको यही याद रखना है कि यदि कोई संज्ञा या स्वरनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण शब्द देखिए आप, समय या काल, नया, पुराना, आगामी, मौसमी, अगला, पिछला, प्राचीन, भूत, वर्तमान, आज, कल, भविष्य इत्यादि। यानी जो समय बताते हैं, नया मतलब बिल्कुल नया है ना, तो समय बता रहे हैं जो वर्तमान में चल रहा है, जो भविष्य में था, जो भूतकाल में था, वही सब समय के आधार पर होते हैं। स्थान, स्थान जैसे लंबा, चौड़ा, भीतरी, बाहरी, ऊंचा, नीचा, सीधा, तिरछा, संकरा इत्यादि। और आकार के आधार पर देखिए, नुकीला, सुंदर, पोला, समान, सुडोल, चौकोर, गोल, चपटा इत्यादि। रंग के आधार पर लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, सुनहरी, चमकीला, धुंधला, फीका, कोई भी कलर हो सकता है, वो गुणवाचक विशेषण। अब दशा के आधार पर दुबला, पतला, मोटा, सूखा, पिघला, बीमार, कच्चा इत्यादि। और गुण के आधार पर भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, कमजोर, ताकतवर, मीठा, खट्टा इत्यादि। ये सभी गुणवाचक विशेषण शब्द हैं, और भी हो सकते हैं। उसके बाद विशेषण के उदाहरण देखिए, जैसे शब्दों में क्या, पंक्ति में रवि ईमानदार लड़का है। अब ईमानदार उसका एक लड़के, रवि का गुण है ईमानदार। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है, यहाँ बड़ी कंपनी बड़ी है, वह भी गुणवाचक विशेषण है। पहले वाक्य में लड़का संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द इसमें क्या है, ईमानदार। इस वाक्य में ईमानदार विशेषण शब्द है, ईमानदार होना एक गुण है, अतः यह ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। द्वितीय वाक्य में कंपनी संज्ञा शब्द है, जैसे वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो कंपनी क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गई। कंपनी क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गई। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द बड़ी है, अतः इस वाक्य में विशेषण क्या होगा, बड़ी। बड़ी शब्द संज्ञा का आकार बता रहा है, अतः यहाँ बड़ी गुणवाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक, नाम से ही पता चला है सभी आपको, देखिए कि रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। कोई भी अपने दिमाग पर कभी भी लोड नहीं लेना चाहिए कि हमें याद नहीं हो रहा, हिंदी बहुत डिफिकल्ट है यार, हिंदी दिमाग खराब कर देती है, समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी को आप आराम से पढ़िए, आराम से समझिए। हिंदी में आपको जैसे व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो व्याकरण में आपको कहानियां और चुटकुले नहीं होते, इससे आपको बोरिंग लगती है, लेकिन आप इसको समझिए,
थोड़ा अपने दिमाग को स्थिर कीजिए, स्थिर करके फिर पढ़िए। अब इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है, संख्यावाचक लिखा हुआ है तो अपने आप ही संख्या 1 2 3 4 संख्या आती है, वो संख्या अपने आप पता चल जाएगी आपको। संख्यावाचक विशेषण, विशेष संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम वो जो क्रिया करते हैं वही काम करते हैं वही क्रिया है। अब उस क्रिया की विशेषता बताते हैं वही विशेषण होते हैं। अब विशेषणों के प्रकार जो है, जैसे गुणवाचक है तो गुण बता रहा है, संख्यावाचक है तो संख्या बता रहा है। तो इसमें कोई भी आपको याद करने के लिए दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे पढ़े हिंदी। हिंदी पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप क्या करते हो, दिमाग में एक धारणा बना देते हो कि ये पढ़ा नहीं जाता, समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सिर्फ ध्यान देने की बात है, ध्यान से, रुचि से पढ़िए। अब कहेंगे हिंदी कोई रुचि विषय, नहीं रुचि नहीं है, लेकिन कुछ तो आप में होनी चाहिए ना, ज्ञान लेने की भूख होनी चाहिए। अब ज्ञान भूख होगी तभी तो आप खाना खा सकते हो, तो ज्ञान की भी भूख होनी चाहिए। जब ज्ञान की भूख बढ़ेगी तो आपको अपने आप याद होगा। जैसे संख्यावाचक विशेषण, हिंदी के सभी संख्यावाचक विशेष प्राकृत के माध्यम से संस्कृत भाषा से आए हैं, समझ में आए। संख्यावाचक जो भी है, अब आपको वापस बताती हूँ कि संख्यावाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ संख्या का बोध कराने वाला होता है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी के सभी संख्यावाचक विशेषण प्राकृत के माध्यम से संस्कृत भाषा से आए हैं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और क्या नहीं आ रहा है वह भी आप लिखिएगा कि यह चीज हमको समझ में नहीं आई। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देख लिए। मैंने बाजार से 4 पुस्तकें खरीदी। अब इसमें संख्या कौन सी है इस वाक्य में? 4। तो 4 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। इस वाक्य में पुस्तक है, संख्या शब्द है, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द 4 है। अतः इस वाक्य में 4 विशेषण शब्द है, 4 शब्द संज्ञा की संख्या बता रहा है, अतः यहाँ 4 संख्यावाचक विशेषण है। अब उसके संख्यावाचक भी दो हो गए, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित यानी जिसका पहले ही तय हो, किसी चीज का पहले ही तय हो, हम बता सकते हैं, गिनकर बता सकते हैं वह निश्चित, और गिनकर नहीं बता सकते वह अनिश्चित। वह संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 कुर्सी, 2 आम, 100 छात्र, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, तीनों लड़कियां आदि। अब इसमें क्या है? तीन, 2, 100, दूसरा, तीनों। अब ये सभी गिनने योग्य है, निश्चित संख्या है, इसलिए ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक वाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? अब देख लिए, जैसे निश्चित वाचक संख्यावाचक याद किए, वैसे अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। वह संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध नहीं करवाते, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई आदमी, कुछ छात्र, बहुत लोग, सब जानवर आदि। अब है विशेषण का एक प्रकार परिमाणवाचक, यानी उस संख्या का परिमाण क्या है, माफ कीजिएगा, उस शब्द का परिमाण क्या है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिणाम, नाप, तोल आदि का बोध करवाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि अगणनीय संज्ञा के साथ मात्रा सूचक शब्द नहीं दिया गया हो तो, तथा अनिश्चित सूचक शब्द जोड़ दिए गए हो, तो ऐसे विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। इस वाक्य में दूध संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द की विशेषता 10 लीटर है, या 10 लीटर संज्ञा का परिमाण
परिमाण बता रहा है, यानी 10 लीटर, यानी वह 1, 2, 3, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, यानी 10 लीटर संज्ञा है, इसलिए यह इसका परिमाण क्या है, 10 लीटर, इसलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अतः इस वाक्य में 10 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम देख लीजिए, नाम का मतलब देख लीजिए, परिमाण यानी मात्रा, वाचक यानी बोलने वाला, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। कोई भी वाक्य में वाक्य आप पढ़ते हो, लिखा हुआ आएगा कि पर इस वाक्य में, पर जैसे ये आपको बताते हैं, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है, इसमें परिमाण, इसमें कौन सा विशेषण है, तो जैसे ही आप 10 लीटर देखो वैसे ही समझ जाना कि यह परिमाण है, उस संज्ञा का विशेषता क्या बता रहे हैं, 10 लीटर, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब यह परिमाणवाचक विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्या था निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, वैसे ही परिमाण भी निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है आपको। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, परिणाम, नाम, तोल आदि का बोध करवाते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा आदि। समझ में आ गया, निश्चित संख्या है इसमें भी। निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण क्या है, 7 लीटर तेल देना। अब 7 लीटर परफेक्ट पता है कि हमें 7 लीटर लेना है। ओलावृष्टि से 20,000 टन अनाज नष्ट हो गया, या अनाज की विशेषता क्या है कि 20,000 टन, इसलिए यह क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। 3 किलो पनीर देना। अब अनिश्चित, वैसे जैसे निश्चित है वैसे अनिश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है तो वह अनिश्चित हो जाता है। वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध नहीं है करवाता है, उसे अनिश्चित वाचक परिणाम परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अनाज, कुछ फल आदि। और निश्चित परिमाण वाचक के उदाहरण देखिए, थोड़ा सा दूध देना। अब थोड़ा कितना है, आधा किलो है, पाव है, 1 किलो है, 2 किलो है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 10 ग्राम है, कितना है। अब उसकी मात्रा हमको पता नहीं चल रही है, इसलिए अनिश्चित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसका परिमाण का पता नहीं है कि कितना लीटर है, कितना किलो है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। मुझे कुछ सामान चाहिए। अब कुछ सामान चाहिए, 1, 2, 3 मात्रा में चाहिए, लीटर में चाहिए, कैसे क्या चाहिए, उसका कुछ पता नहीं है, सामान का नाम पता नहीं है, कुछ सामान चाहिए, तो यह अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक उदाहरण हो गया। ओलावृष्टि से 1,000 टन अनाज नष्ट हो गया। अब 1,000 टन, कितने 1,000 टन हुआ ये निश्चित नहीं है, 1,000 टन था, 2,000 टन था, 4,000 टन था, 5,000, कुछ भी पता नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द। अब है संकेतवाचक विशेषण। जैसा तो संख्यावाचक था, गुणवाचक था, वैसे ही संकेतवाचक। संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वही संज्ञा, वही संकेतवाचक विशेषण होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, अब वे लोग संकेत कर रहे हैं लोगों की ओर, क्या लिखा हुआ, वे है ना, वे लोग, तो इसमें वे जो है संकेत हो गया इसका। इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, जो इस लिखा हुआ है वह भी संकेत हो गया। यह घर मेरा नहीं है, इसमें यह लिखा हुआ है, यह संकेत इस घर की तरफ संकेत हो रहा है। वे लोगों की तरफ संकेत करने के लिए वे लिख दिया, विद्यार्थी की तरफ संपर्क करने के लिए इस विद्यार्थी लिख दिया। ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, इसमें ऐसे वैसे जो है ये छात्रों की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए ऐसे वैसे संकेतवाचक हो गया। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, कि व्यक्तिवाचक
संज्ञा शब्दों को जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। जो क्या प्रत्यय प्रयुक्त कर दिया जाए वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण मुख्यतः किसी शहर, प्रांत या देश के नाम से बनते हैं, जैसे जयपुरी पगड़ी। अब यह जयपुरी जो है संज्ञावाचक संज्ञा है, इसके साथ में प्रत्यय जोड़ दिया, जयपुर के जयपुर संज्ञा है, उसके साथ में ई जोड़ दिया तो जयपुरी बन गया, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया पगड़ी। समझ में आया? अब जोधपुर के साथ में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो जोधपुरी बन गया, जोधपुरी मिर्च। जापानी मशीन, जापान के साथ में ई जोड़ दिया तो जापानी मशीन हो गया। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? जयपुर, जोधपुर और जापान, इनके साथ, जयपुर के साथ में प्रत्यय ई जोड़ दिया तो जयपुरी बन के व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। जोधपुर के साथ संज्ञा है, इसके साथ में ई जोड़ दिया तो जोधपुरी बन गया, तो यह जोधपुरी व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। जापान संज्ञा है, इसके साथ में ई लगा दिया तो जापानी बन गया, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। अब है प्रविशेषण। अब नाम से ही पता चल रहा है विशेषण के, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो वह जो विशेषण शब्दों के साथ में प्रयुक्त संज्ञाएं होती है वो तो विशेष्य कहलाती है, और जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा। अब इसमें बहुत सुंदर तो है पक्षी, लेकिन बहुत सुंदर है, अब बहुत क्या होगी उसकी विशेषता होगी। मैं सुंदर विशेषण है जो पक्षी की विशेषता प्रकट कर रहा है, तथा बहुत प्रविशेषण है। समझ में आया? बहुत प्रविशेषण हो गया। जैसे देखो इसमें आपको बताती हूँ, मैंने क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, सुंदर क्या हो गया, विशेषता हो गई, पक्षी क्या हो गया, उसका का कर्ता हो गया, और देखा। मैं बहुत सुंदर विशेषण है जो पक्षी की विशेषता प्रकट कर रहा है, तथा बहुत प्रविशेषण है जो विशेषण शब्द सुंदर की विशेषता प्रकट कर रहा है। समझ में आया आपको या फिर नहीं आया? राम बड़ा परिश्रमी है, इसमें बड़ा प्रविशेषण हो गया। अर्जुन बहुत वीर है, बहुत, इसमें प्रविशेषण हो गया। रोगी बिल्कुल ठीक है, अब इसमें बिल्कुल प्रविशेषण हो गया। गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है, खाना अत्यंत स्वादिष्ट है। इन वाक्यों में बड़ा, बहुत, बिल्कुल, गहरा, अत्यंत और थोड़ा क्रमशः परिश्रमी, वीर, ठीक, हरा, स्वादिष्ट विशेषणों की विशेषता बता रहा है, अतः ये सभी प्रविशेषण है। अब प्रविशेषण और विशेष्य में अंतर क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रविशेषण शुरू करते ही वही वापस है। प्रविशेषण और विशेष्य में यही अंतर है कि प्रविशेषण किसी विशेषण की विशेषता बताता है, जबकि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम है वो तो हो गया विशेष्य, और विशेषण की विशेषता बताता है वो हो गया प्रविशेषण। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, तथा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब है गुणवाचक विशेषण की तुलना। जिन विशेषणों के द्वारा दो या अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। गुण और अवगुण इनकी तुलना हो जाए वह क्या कहलाएंगे? तुलना बोधक विशेषण। तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अभी देखिए इसमें भी आपको झमेला लग रहा होगा कि याद कैसे करेंगे, क्या है, क्या चीज है, कुछ नहीं है इसमें। यदि जैसे कि मैं कोई बोलूं तुम सुंदर हो तो सुंदर क्या होगी? मूलावस्था होगी। फिर मैं कहूँ तुम बहुत सुंदर हो तो वो उसकी उत्तरावस्था होगी। तुम उससे भी सुंदर हो यानी बहुत ज्यादा सुंदर होगी तो वो उसकी उत्तम अवस्था होगी। कोई चीज बताते हैं ना,
जिस लिमिट से शुरू करते हैं वो तो होगी मूल अवस्था, लिमिट से सर थोड़ा ऊपर हो गया तो उत्तरा अवस्था, और लिमिट से बाहर हो गया कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता या इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, वह उत्तमा अवस्था हो गई। अब मूल अवस्था, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप होता है, इस अवस्था में तुलना नहीं होती, सामान्य विशेषताओं का उल्लेख मात्र होता है, जैसे राम सुंदर है, समझ में आया, राम सुंदर है खाली यही लिखा हुआ है। अब उसके बाद में जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना हो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं, जैसे राम श्याम से सुंदर है। अब पहले में क्या था कि मूल अवस्था में क्या है कि राम सुंदर है, और उत्तरावस्था में क्या है राम श्याम से सुंदर है। अब तीसरा क्या है, उत्तम अवस्था या विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक की श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तब तो विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, जैसे राम सबसे सुंदर है। अब देखिए वापस देखिए उदाहरण, आप मूल अवस्था में राम सुंदर है, उत्तरावस्था में राम श्याम से सुंदर है, और उत्तम अवस्था में राम सबसे सुंदर है। अब सबसे सुंदर कहने के बाद क्या कहोगे? ऐसे ही उदाहरण और देखिए, गुणवाचक विशेषण की अवस्था है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, इनके उदाहरण देखिए, प्रिय प्रियतर और प्रियतम, लघु लघुतर लघुतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, महत महत्तर और महत्तम। विशेषण की रचना, अब विशेषण की रचना कैसे होती है कि रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जाहिर है कि अविकारी विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे पीला, अब पीला का क्या चेंज करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, काला थोड़ा ना कर सकते हो, हरा भी नहीं कर सकते, नीला भी नहीं कर सकते हो, गहरा भी नहीं कर सकते हो, खाली पीला। सुंदर का क्या चेंज करोगे? कुछ नहीं कर सकते, भारी चंचल गोल आदि। विशेषण प्राय संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे धर्म में इक जोड़ दिया धार्मिक, चमक में इला जोड़ दिया चमकीला, मुख्य में इक जोड़ दिया मौखिक, गुण में ई जोड़ दिया गुणी, अर्थ में इक जोड़ दिया आर्थिक, धन में वान जोड़ दिया धनवान, जाति में ई जोड़ दिया जातीय, दान में ई जोड़ दिया दानी। तीसरा है अवस्था में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं, जैसे अंदर के साथ में प्रत्यय जोड़ दिया ऊनी तो अंदरूनी, बाहर के साथ में प्रत्यय जोड़ दिया ई तो बाहरी। कुछ विशेषण क्रियाओं से बनते हैं, जैसे चलना से चलने वाला, कमाना से कमाऊ, भागने भागने से भागने वाला। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण की रचना होती है, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, चलता फिरता, दुबला पतला, टेढ़ा मेढ़ा आदि। कुछ विशेषण सर्वनामों से बनते हैं, जैसे यह से ऐसा, यह से इतने, यह से उतना इतना सॉरी, जो से जैसे, वह से वैसा। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम होते हैं, जैसे यह बालक एक वचन है, और वे बालक बहुवचन हो गया, उस लड़के एक वचन है, उन लड़कों बहुवचन हो गया। आज आप विशेषण का वीडियो है जो यही समाप्त होता है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आप लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो भी कीजिएगा, समझ में आए तो भी कीजिएगा, और हम इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं वह भी कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।